नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर यूट्यूब चैनल में कैसे हैं दोस्तों एक बार कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है आवाज स्पष्ट एक नहीं आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से आप सब स्टूडेंट जुड़ जाइए कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सब स्टूडेंट नोट भी करेंगे आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में हम आप लोगों को कराने वाले और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों पार्ट वन है यानी कि पहला क्लास है उम्मीद करते हैं आप लोग सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और आप सब स्टूडेंट रिवीजन करके आए होंगे देखिए आप लोगों की डिमांड पे यहां पे जो भी क्लासेस चल रही है चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है आप लोगों की डिमांड पे ही चल रही है तो अच्छे से पढ़िए मन लगा के पढ़िए और तैयारी अच्छे से करिए ठीक है पीछे वाली जितनी भी क्लासे चली है उन सभी क्लासेस का आप लोग रिविजन और प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे ये वाली क्लास दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल यूपी लेखपाल एनडीपीसीबी टी टू एस एस सी

और एस एस सी एम टी एस के लिए स्पेशल हाँ, क्लासेस चल रही है तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाए बहुत अच्छे चलिए गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग हाँ फटाफट जुड़ जाइए कॉपी पेन लेके बैठेंगे नोट भी करेंगे कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे टेस्ट के तौर पे भी रखें तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास देखिए पहली क्लास है तो कुछ हम सिंपल क्वेश्चन कराएंगे कुछ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है ठीक है वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान दीजिए वैसे तो पूरी मैथ की बात करें तो एस एस सी में पे मैथ एकदम पूरी बेसिक से कंप्लीट कराए हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर तो यहां पे हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग देखेंगे अच्छे से चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा और उम्मीद करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट सही देंगे चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अच्छे से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का ये बेसिक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और आंसर भी देने का प्रयास करेंगे ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए दो हजार चार सौ यानी चौबीस सौ रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा बीस प्र, बीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दो वर्षो में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है देखिए चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हाँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट वाला फॉर्मूला अमाउंट बराबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला देखिएगाउंट बराबर अमाउंट बराबर पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड का पावर t ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान द्या, दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट इसमें क्या आएगा अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सी आई सीआई क्या होता है जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे ठीक है तो क्या आएगा सीआई आएगा क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया क्या है हम लोगों के पास ये दो चौबीस सौ रुपए जो है ध्यान दीजिए चौबीस सौ रुपए है ये क्या है प्रिंसिपल है पी कितना है चौबीस सौ रुपए अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अच्छे से समझेंगे कुछ स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है बहुत अच्छे हाँ देखिए उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आर, 20 दिया हुआ है टाइम भी दिया हुआ है ये ये देखिए टी, पावर टी जो है ये टाइम है टाइम तो टी क्या है दो वर्ष दिया हुआ है ठीक है हाँ. अब देखिए अब आप कुछ भी इससे निकाल सकते हैं देखिए तो अमाउंट बराबर क्या होगा पी इंटू पी इंटू मतलब चौबीस सौ चौबीस सौ ध्यान दीजिएगा गुने वन प्लस आर आर की जगह पे होगा बीस और बटा का ये होगा सौ और पावर क्या है पावर टी है तो इसका इसमें टी बराबर दो वर्ष लिखा है तो टू अब यहां से अमाउंट आएगा अमाउंट में से क्या करेंगे आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे आ जाएगा चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं हां देखिए यहां पे तो अमाउंट बराबर होगा क्या चौबीस सौ चौबीस सौ सौ एकम सौ और बीस एक सौ बीस बटा का सौ तो ये दो बार है पावर तो हम इसको कर लेंगे एक सौ बीस बटा का सौ गुने एक सौ बीस बटा का सौ ठीक है अब इसी को घटा लीजिए इससे आएगा अमाउंट और अमाउंट में से क्या करेंगे आप सब स्टूडेंट इससे आएगा अमाउंट और अमाउंट में से आप क्या करेंगे बताइएगा प्रिंसिपल माइनस करेंगे ये बेसिक है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं चलिए अभी बता रहे हैं देखिए पे पे तो यहां पे दो जीरो दिख रहा है तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल ये वाला दो जीरो दिख रहा है कैंसिल उसके बाद से बचा क्या हम लोगों के पास चौबीस गुने बारह गुने बारह एक सौ चौवालीस होगा ठीक है तो चौबीस गुना करेंगे चौबीस को छानवे का छे हासिल नौ चौबीस को छानबे छानवे नौ क्या होगा दोस्तों एक सौ पांच का से कम अमाउंट अमाउंट क्या गया आ चार सौ छप्पन तो हम लोगों को बताना क्या है सीआई तो सीआई बराबर क्या होता है बताएं आप सब स्टूडेंट सीआई बराबर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर इसमें से अमाउंट में से क्या करेंगे प्रिंसिपल घटाएंगे चौंतीस है ध्यान दीजिएगा चौतीस में से क्या करेंगे 2400 घटाएंगे कितना 2400 तो ये क्या आएगा एक हजार छप्पन 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 क्या आंसर है 1056. यही आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यही आपका क्या होगा आंसर होगा चलिए बेसिक आप लोगों को पता है कि नहीं ये बताया एक बार कमेंट करके आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए हाँ चलिए बहुत अच्छे देखिए एस हाँ, ऐप से आप लोग एक बार मैथ्स और रीजनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा पे पूरी थ्योरी की क्लास चली है पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास चली है चक्रवर्ती होता है कैसे निकाला जाता है यहां पे हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा और भी सारे मेथड आप लोगों को बताए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं बताइए हाँ, बहुत अच्छे एकदम सही है ये तो रहा क्या ये तो रहा फॉर्मूला पे किए ये तो आप समझ ही गए ये आप सभी स्टूडेंट समझ गए अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है एक और इसको तरीका है अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते चलिए बिना फॉर्मुले की कुछ स्टूडेंट बोले बिना फॉर्मूले के अगर सॉल्व करना हो तो इसे हम मिटाते हैं ठीक है इसे हम मिटाते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कैसे बिना फॉर्मूले के आप सोल्व करेंगे देखिएगा चलिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है वैसे सियाई में चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ दो वर्ष और तीन वर्ष के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो तो उसी को लगाना होता है याद करना है इसमें तो याद ही नहीं करना है चौबीस सौ रुपये है कितना है चौबीस सौ रुपए बीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से क्या है ये वार्षिक संयोजन हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पूछ रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है बीस पहले वर्ष बढ़ेगा तो इसका हो जाएगा एक प्रॉफिट लॉस बढ़े परसेंटेज पढ़े प्रॉफिट लॉस पढ़े डिस्काउंट पढ़े समझ रहे ना आगे सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़े तो इसका 120 परसेंट ये हो गया एक वर्ष में फिर दूसरा वर्ष में क्या होगा इसका 120 परसेंट मतलब ये 120 बटा का सौ ये होगा इतना समझ रहे हैं अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दो जीरो है दो जीरो से दो जीरो कैंसिल ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल एक सौ चौवालीस अब गुना करेंगे चौबीस सौ को ध्यान दीजिएगा चौबीस सौ को छियानवे का छह हासिल नौ चौबीस सौ को छियानवे छानवे नौ एक सौ पांच का पांच हासिल क्या होगा दस चौबीस 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 दस चौतीस यानी क्या हुआ दोस्तों हम लोगों के पास रुपए क्या था चौबीस सौ था चौबीस सौ से ये कितना हो गया दो वर्ष में चौतीस सौ छप्पन हो गया तो बढ़ा कितना जो बढ़ा है वही एक हजार छप्पन ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं ये दूसरा मेथड है आप ये मेथड टू भी अप्लाई कर सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा हाँ चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो समझ में आया कि नहीं बहुत अच्छे देखिए यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए हाँ यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए क्लासेस चल रही हैं लेखपाल के लिए भी क्लासेस चल रही हैं हा एसएससी एम टी एस एन के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है अभी अभी एक दो दिन से क्या था थोड़ी बहुत समस्याएं थी बहुत बिजी हो गए थे आप सबको पता ही है सेवन मिलियन का हा अपना परिवार एससी में अगर सेवन मिलियन का हो गया है तो थोड़ी बहुत गेस्ट भी कुछ लोग आए थे उनको भी देखना और भी टीचर वगैरह सबको मैनेज करना तो इस वजह से थोड़ी बहुत आप लोगों की एम वाले क्लास में दिक्कत आई है लेकिन अब आगे चल के दिक्कत नहीं होगी आप लोगों की क्लासेस एकदम समझ चलेगी बताइए यहाँ पे समझ में आ गया बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट सही है सभी स्टूडेंट स्तर कॉमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया है देखिए मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए बहुत अच्छे अच्छा क्या हुआ अच्छा केक नहीं मिला आप लोगों को मिलेगा वही तो बोल रहे हैं जल्दी से सिलेक्शन लीजिए हाँ नहीं नहीं केक मिलेगा आप लोगों को केक मिलेगा जब मिलेंगे आप लोगों को तो पहले केक ही खिलाएंगे ठीक है चलिए हाँ क्वेश्चन देखे नेक्स्ट देखिएगा उम्मीद करते हैं समझ गए सभी स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दूसरा दूसरा देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे देखिए बिना फॉर्मूले के भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष पांच परसेंट बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या नौ है तो तीन वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी तीन वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी यह पूछ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए मान लेंगे दोस्तों तीन वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी तो मानेंगे x थी अगर जनसंख्या x थी और प्रति वर्ष पांच परसेंट की दर से बढ़ के वर्तमान में नौ हजार दो सौ इकसठ हो गया है तो पांच परसेंट की वृद्धि को क्या लिखते हैं सौ में जोड़ेंगे मतलब एक सौ पांच परसेंट एक सौ पांच, पांच बटा सौ फिर क्या होगा एक सौ पांच बटा सौ फिर क्या होगा कितनी बार तीन वर्ष बोल रहा है तीन वर्ष पहले कितनी थी तो तीन वर्ष पहले एक्स थी तो पहला वर्ष ध्यान दीजिएगा बढ़ा तो 105 परसेंट हो गया फिर दूसरा वर्ष बढ़ा तो इसका 105 परसेंट हो तीसरा वर्ष बढ़ा तो क्या हो गया इसका 105 परसेंट हो गया हो गया तो उसके बाद ये जनसंख्या हो कितना गया नौ कितना हुआ नौ हजार नौ बताए अब आंसर दे आप सभी चलिए आंसर दीजिए आप लोग अब कुछ करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर है देखिए तो x बराबर होगा क्या ये गुने वाला है बराबर उधर जाएगा भाग में होगा उधर क्या है नौ है जब ये गुने वाला भाग में जाएगा तो ये बटा वाले को ज्यादा कुछ नहीं करते 105 बटा पांच सौ है ना तो इसको पलट देंगे मतलब हो जाएगा 100 बटा का 105 और ये भी आपका जाएगा तो ये भी हो जाएगा 100 बटा का 105 और ये भी जाएगा तो ये भी होगा 100 बटा का 105 अब आप इसको कटा सकते हैं देखिए कटाना कैसे है बहुत स्टूडेंट कटाना नहीं जाते देखिए पांच से अगर कटा रहे हैं तो पांच दुना के दस जीरो

तीस तक का पहाड़ा याद करने के लिए एक से लेके तीस तक का आप लोगों को हम स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे एक से लेके तीस तक का हम आप लोगों को क्यूब याद करने के लिए यह होमवर्क दिए थे और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट याद कर लिए होंगे और जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं याद किए हैं तो याद कर लेंगे ठीक है इससे क्या होगी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो ये इक्कीस गुने इक्कीस गुने इक्कीस नीचे कितनी बार इक्कीस है ध्यान दीजिएगा तीन बार तो इक्कीस का क्यूब 21 का क्यूब क्या होता है 9261 ध्यान दीजिए x बराबर क्या होगा 9261 गुने, 20 गुने, 20 गुने, 20, 20. यानी 20 का क्यूब 8000 20 का क्यूब क्या होगा 8000 21 का क्यूब क्या होगा 9261 तो ये 9261 से 9261 पूरा का पूरा कटेगा बचा क्या x बराबर आया क्या x बराबर आया 8000 यानी जो तीन वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो हाँ, क्या थी आठ हजार यही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा वेरी गुड बहुत अच्छे शानदार जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे आठ हजार आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है बताएं समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया तो एक बार ये सर कॉमेंट करिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कॉमेंट करके आप लोग बताए तो समझ में आ गया है समझ में आ गया है तो एक बार कॉमेंट करके बताइए तो, तो चलिए और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए आप लोग लाइक से काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं तो लाइक करके हमें जरूर बताएं और एक बात और ध्यान देंगे आप सब स्टूडेंट जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए ताकि डेली जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले चलिए बहुत अच्छे एकदम सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं हाँ, आठ हजार आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है वेरी गुड समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट ये सर कमेंट कर रहे हैं चलिए हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बताए यस yes, सर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें तो ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है आठ हजार की राशि पांच परसेंट की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय यानी कि वर्षों में नौ हजार दो सौ इकसठ रुपए हो जाएगी पिछला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन तो, तो आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं हाँ पिछला क्वेश्चन आप लोग ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको क्या करेंगे कैसे करेंगे बताएं शराज नाम नहीं लिएगा किसी का नाम लेना है चलिए आंसर देंगे तो नाम लेंगे लास्ट में क्वेश्चन अभी टेस्ट के तौर पे रखे हैं कुछ पूछेंगे आप लोगों से तो पहले इसका आंसर आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अच्छा इसका आंसर सबको पता है पिछला ही क्वेश्चन है ठीक है नौ वाला अच्छा वर्ष हाँ वर्तमान में यह है तो तीन वर्ष पहले वाला कितना है यानी अच्छा <laughs> चलिए तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे ध्यान ध्यान दीजिएगा दीजिएगा अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे ध्यान आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे फॉर्मूला आप लोगों को पता है फॉर्मूला आप लोगों को पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर अपॉन हंड्रेड का पावर पॉवर्टी ये क्या होता है मूला है ठीक है अमाउंट निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज में ठीक है अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां पे अमाउंट क्या दिया हुआ है नौ हजार दो सौ इकसठ अमाउंट है प्रिंसिपल क्या है राशि जो है वो है क्या है आठ हजार है कितना है आठ हजार है देखेंगे तरीका देखिएगा सॉल्व करने के लिए पिछला क्वेश्चन तो है आंसर याद है सभी लोग दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन ये तरीका आप लोग सीख लीजिए आठ हजार है फिर वन प्लस आर आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फाइव है तो फाइव अपान यानी कि पांच का सौ अब पावर टी हमें हम लोगों को टाइम ही बताना है समय ही बताना है वर्षों में कितना होगा कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल है बहुत आसान है ये देखिए ये गुने में है बराबर किधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा यानी कि नौ और बटा का क्या होगा आठ ये होगा बराबर क्या है सौ एकम सौ एक सौ पांच सौ क्या होगा एक सौ पांच बटाका सौ का पावर क्या होगा टी इसको आप छोटा कर सकते हैं देखिएगा इसको आप छोटा कर सकते हैं हा कर सकते हैं ये पांच से कटेगा इक्कीस बार में ये पांच से कटेगा बीस बार में ये क्या है दोस्तों नौ हजार दो सौ इकसठ और आठ हजार क्या है ये आप सबको पता है क्योंकि आप लोगों को एक से लेके तीस तक पहाड़ा जाते हैं एक से लेके तक स्क्वायर याद है एक से लेकर तीस तक का क्यूब याद है जब याद है तो आपको ये पता है कि ये जो है इक्कीस का क्यूब है ये जो है दोस्तों आठ हजार बीस का क्यूब है मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का पावर थ्री ठीक है अब इधर देख रहे हैं दोस्तों आप लोगों के हम लोगों के पास आया इक्कीस बटा का बीस का पावर आया टी अब क्या करेंगे घातों की तुलना करेंगे जो इसकी पावर है उसकी कंपेयर करेंगे ये है इधर पावर टी है इधर थ्री है तो टी बराबर क्या हो जाएगा जब घातों की तुलना करेंगे तो टी बराबर थ्री ईयर्स यानी तीन साल आंसर आया तीन साल ऑप्शन नंबर क्या होगा ये सही होगा ये क्या है बेसिक मेथड है ये बेसिक मेथड है हा ऐसे आप कर सकते हैं बताएं एक बार कमेंट करके फटाफट बताइए तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा नाम लीजिए मेरा नाम छोड़ देते हैं अच्छा नाम अभी सबका लेंगे चलिए चलिए बहुत अच्छे का पावर थ्री इधर टी इधर थ्री तो टी बराबर थ्री यानी वर्ष में होगा तीन साल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया है तो एक बार यह सर कॉमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये सब सेट पैटर्न के क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं ठीक है चलिए सभी स्टूडेंट ये सर कमेंट करें समझ में आ गया कुछ स्टूडेंट को याद हो गया था पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो क्योंकि उसी आधार पे था चलिए हाँ सर कुछ कह रहे हैं मेरा नाम मत लेना अच्छा कुछ कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए अच्छा कोई नहीं समझ में आ गया है चलिए एक बात और हम आप लोगों से बता दें जितने भी नए स्टूडेंट हैं हाँ, अगर अभी तक आप लोग एस एस सी मेकर जरूर इंस्टॉल करिए ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जाइए प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए मेकर और ऐप को इंस्टॉल करिए ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल यूपी लेखपाल हा और अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है एस एस एंड हवलदार एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है हम आप लोगों को बता दे दोस्तों अभी जो नए स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं और सभी क्लासेस बेसिक से चल रही है और आपको हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही है हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों एस एस एंड हवलदार एग्जाम के लिए एस मेकर ऐप पे टारगेट बैच चल रहा है ठीक है टारगेट बैच को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए टारगेट बैच की दोस्तों, गया है। और इसमें दोस्तों आप लोगों को एक कभी भी कूपन कोड आपका ऑफ हो सकता है यह तीन सौ निन्यानवे वाला फी भी बढ़ने वाला है कूपन कोड आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट हाँ एस एस सी मेकर स्पेस नहीं है इसमें ध्यान दीजिएगा एस एस सी एम ए के ई आर एस एस सी मेकर सेवन एम सेवन मिलियन की खुशी में हम सोचे आप लोगों को ये ऑफर दिला इसमें क्या होगा आप लोगों को टेन परसेंट का ऑफ हो जाएगा इसमें भी ये भी जो एकदम मिनिमम फी है इतना फी नहीं होता है सिर्फ ये समझिए सर्वर का कॉस्ट ही आप बेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं इसमें भी क्या है टेन परसेंट का ऑफ हो जाएगा आप टेन परसेंट निकाल सकते हैं क्या होगा ठीक है चलिए तो इसमें भी ऑफ हो जाएगा तो ये ऑफर है सीमित समय के लिए है आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करिए इसमें हम आप लोगों को बता दे दोस्तों मैथ्स की क्लास चल रही है इंग्लिश की क्लास चल रही है रीजनिंग की क्लास चल रही है और जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है और सभी क्लासेस दोस्तों बेसिक से और जीरो लेवल से चल रही है एकदम बहुत ही शानदार तरीके से और आपको हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लास चल रही है तो ध्यान दीजिएगा ये टेन परसेंट ऑफ आज के लिए है हाँ कभी भी बंद हो सकता है पचास परसेंट चाहिए अच्छा तो बोलिए तो फ्री कर दे फ्री तो चल ही रहा है ठीक है हाँ यहाँ पे आप लोग देखें और हम आप लोगों को बता दे इसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड नहीं है ठीक है इसमें लाइव क्लासेस भी आप लोगों की चल रही है और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही है लाइव क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा इंग्लिश की लाइव क्लासेस चल रही है थ्री पी से ठीक है थ्री पी से रीजनिंग की दोस्तों लाइव क्लास से चल रही है सेवन पी से ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट टाइमिंग नोट कर लीजिएगा और जनरल अवेयरनेस की रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही है कब दी जा रही है सुबह में एट एम से एक दो दिन अभी आप लोगों का थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था क्लास थोड़ी सी ऐप में भी अपडेट हो रही थी तो समस्याएं आई थी ठीक है कोई नहीं और मैथ्स की दोस्तों आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही है, बहुत ही आपकी सारी हो जाएंगी जो है। और लाइव वाली आपकी समय अनुसार चलेंगी ठीक है ये चीज समझ गए आप लोग हाँ इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश देखिए इंग्लिश सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं जितना होमवर्क दे रहे हैं बस आप उतना करिए ठीक है सेवन मिलियन पे टेन परसेंट आप अच्छा क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं देते नहीं देखिए फी देखिए फी जो है ना फी बहुत कम है आप लोग देख ही सकते हैं सोच ही सकते हैं इतनी फी किसी की भी नहीं होती है इतनी कम ठीक है हम आप लोगों से फी नहीं लेते हैं बस ये लेते हैं कि ताकि यहाँ का जो सिस्टम है वो चल सके टीचर जो हैं हाँ टीचर को भी सैलरी देना होता है कंटेंट राइटर हैं सब लोग फ्री में नहीं कर सकते हम फ्री में आप लोगों को पढ़ाते ही हैं मैथ्स तो पढ़ाते ही हैं लेकिन ये सब समझिएगा सभी टीचर तो नहीं कर सकते तो उन लोगों को भी कुछ देना होता है उन लोगों का भी परिवार है वगैरह जो भी है आप समझ सकते हैं ठीक है तो कम ही फी है तो आप लोग फी के बारे में टेंशन ना लीजिए इतनी कम है इतना कम है आप लोग कर दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही है देखिए क्लासेस में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ये आपको सबको पता है कि जो क्वालिटी होगी जो क्वालिटी होगी क्वालिटी से कंप्रोमाइज एक परसेंट भी हम नहीं कर सकते आप लोगों को बेहतर कंटेंट देंगे बेहतर चीजें देंगे जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाए ठीक है वो सारी चीजें हम आप लोगों के लिए करते हैं या ये सब आप सबको पहले से भी पता है तो क्वालिटी में और कंटेंट में एक भी परसेंट का आप लोगों का हाँ डाउट नहीं करना है आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए मन लगा के तैयारी करिए कुछ लोग बोल रहे हैं सेवन मिलियन पे कम से कम सेवेंटी दे देते ठीक है सेवेंटी तो दे देंगे बताइए हाँ सेवेंटी परसेंट दे देंगे लेकिन फी रख दे दस हजार और सेवेंटी परसेंट ऑफ कर दे तो क्या मतलब है ठीक है तो ये भी आप सोचिए ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को बस उतना ही बे करना है ताकि जिससे सिस्टम चल सके ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट और पढ़िए क्योंकि क्लासेस इसकी स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है कोई धनराशि दस परसेंट चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि की वार्षिक दर पर तीन वर्ष में छे हजार छह सौ पचपन रुपए हो जाती है धनराशि कितनी है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कोई धनराशि दस परसेंट चक्रवृद्धि छह सौ पचपन हो जाती है धनराशि कितनी है आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताए सिंपल है बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते चलिए क्या बता रहे हाँ चौबीस सौ निन्यानवे पांच हजार रख दे और 70 दे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है पांच हजार पचास हजार नहीं रखना है ठीक है हाँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट के पास पैसे कैसे आते हैं दिक्कत होती हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट दीजिए देंगे अपना नाम बता दीजिएगा हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट देंगे ठीक है चलिए देखिए क्या होता है ना अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दे थोड़ी सी जानकारी दे दे जैसे ऐप वाली जो क्लास चलती है ठीक है तो वो प्राइवेट सर्वर पे चलता है प्राइवेट सर्वर अमेजन का जैसे सर्वर होता है तो बहुत ही कॉस्टली होता है महंगा होता है ठीक है तो उसमें क्लासेज आप लोगों की चलती है देखते होंगे उस एड वगैरह भी कुछ नहीं आता है कोई ऐड कोई प्रचार नहीं एकदम अच्छे से स्मूथ आपकी क्लास चलती है तो उस सर्वर का कॉस्ट देना होता है जो मेंटेनेंस है जो उसमें बैकएंड में टीम लगी हुई है आप लोगों का डेटा मैनेज करती है कि कैसे कैसे क्लास को शेड्यूल करना है कैसे क्लास से चलेगी कितने बजे चलेगी कोई ऐप में समस्या आ रही है तो क्या होगा कॉलिंग टीम है हाँ कस्टमर सपोर्ट है सब कुछ है टीचर है पूरी फैकल्टी है तो सबको देखना पड़ता है ठीक है फिर भी हाँ उसके बाद से भी मैं अब सैलरी उसमें से नहीं लेता हूं आपको बता दू ठीक है चलिए यहां पे बताएं आप लोग आंसर दे हाँ लेखपाल में आप लोगों का जो चौथा पार्ट है ग्राम विकास वाला ठीक है हाँ ग्राम समाज एवं विकास वाला है उसकी भी क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएगी उसके लिए परेशान नहीं होंगे आंसर आ रहे हैं आप लोगों का बहुत अच्छे वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और आंसर आप लोगों का सही आ रहा है देखिए यहां पे कुछ करने की नहीं कोई धनराशि 10 वार्षिक हाँ, ध्यान दस परसेंट चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर तीन वर्ष में छो पचपन है इतना होता है ठीक है दस परसेंट बढ़ेगा तो क्या होगा पहले वर्ष एक सौ दस परसेंट होगा दूसरा वर्ष इसका एक सौ दस परसेंट हो जाएगा तीसरा वर्ष इसका एक सौ दस परसेंट हो जाएगा फिर क्या होगा छह हजार छह सौ पचपन हुआ इतना समझ में आया बस x बराबर तो निकाल सकते हैं देखिए x बराबर क्या होगा 6655 हजार सौ पचपन ये है ये एक सौ दस बटा का सौ उधर जाएगा तो सौ बटा का क्या होगा सौ बटा का एक सौ दस सौ बटा का क्या होगा एक सौ दस दूसरा वाला भी जाएगा तो भी होगा सौ बटा एक सौ दस तीसरा वाला जाएगा यह भी होगा सौ बटा एक सौ दस हाँ सौ का एक सौ दस ये समझ गए अब आप कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट अब सॉल्व कर सकते हैं कटा सकते हैं बताए आंसर आ रहा है बहुत अच्छे देखिए एक जीरो दो जीरो तीन जीरो एक दो तीन है कैंसिल हो गया ग्यारह से देखिएगा आप सभी स्टूडेंट अगर इसको हम कटाए ग्यारह से तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट ग्यारह छके के छह सौ साठ होगा फिर ग्यारह पचे पचपन ग्यारह से अगर हम कटाए तो ग्यारह पचे पचपन ग्यारह दीजिएगा सौ गुने दस यानी कि पांच गुने एक हजार करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा पांच हजार धनराशि कितनी है पांच हजार आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ये होगा आंसर आपका आप लोगों का क्या आया बताए तो एक बार फटाफट आंसर दीजिए तो बहुत अच्छे हाँ अजय कुंतल का हाँ विधभूति भूषण सिंह अच्छा विभूति भूषण सिंह अच्छा संदीप कुमार सिंह चलिए सचिन गोरखपुरिया अच्छा आंसर सही है अजय द्विवेदी पूजा कुमारी चलिए सब स्टूडेंट सही है अनु राम हाँ राम कुमार कंचन प्रसाद राकेश कामिनी शुक्ला भावना पंत अतुल हाँ बहुत अच्छे गोपाल बाबा सुप्रिया बिमलेश कुमार बिंद संदीप यादव कुमार महेश मोहित अर्चना अर्शु मौर्य चलिए बहुत अच्छे अजय नीलेश सुमन अंजू मुकेश चलिए बहुत अच्छे बिट्टू कुमार आशीष नेहा माया पंकज छोटू अरविंद बहुत अच्छे हाँ एक लोग का मौर्य और आगे क्या नाम लिखे हैं ऊपर चला जाता है डेली डेली कोई नहीं आशुतोष राजपूत हाँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्लास करते हैं और तुरंत आंसर देते हैं देखिए डेली क्लास करने में एक तो फायदा है आपका रिवीजन भी होता है साथ में प्रैक्टिस भी होता है नए नए क्वेश्चन भी सीखते जाते हैं और पीछे वाले कभी एक दो क्वेश्चन हम शामिल भी करते हैं तो आंसर आप आप लोगों का फटा फटा आप लोगों का फटाफट आता है 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 चीज के अंदर ठीक तो डेली आप लोग क्लास करिए जो स्टूडेंट डेली क्लास कर रहे हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहता है बहुत ही शानदार तरीके से और डेली दस क्वेश्चन अगर करा रहे तो नौ क्वेश्चन दस में दस उनका सही होता ही होता है ठीक है तो ऐसे ही आप लोग का एग्जाम में भी होगा बहुत ही बेहतर होगा तो डेली आप लोग क्लास करिए मन लगा के पढ़िए आगे चले बताए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है कितने समय में दो हजार रुपए की धनराशि दस परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2400 ध्यान दीजिएगा दो रुपए हो जाएगी जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है प्रति वर्ष संयोजित होता है कितना रुपए है दो हजार रुपए है रेट ऑफ इंटरेस्ट है दस परसेंट से दो हजार चार सौ बीस सिंपल है आंसर दे सकते हैं और इसको मात्र दो से तीन सेकंड में आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए राजन कुमार अच्छा बहुत अच्छे चलिए सब स्टूडेंट सही है शिवम सिंह रियाज सुजीत कुमार चलिए बहुत अच्छे युवराज सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो बिना पेन उठाए आंसर देना है बहुत अच्छे वेरी गुड <laughs> आंसर आने लगा चलिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है देखिए दो हजार रुपए है कितना है दो हजार रुपए है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो क्या है टेन परसेंट है तो दो हजार का दस परसेंट क्या होगा दो सौ रुपये पहले वर्ष दो सौ मिलेगा ध्यान दीजिएगा दूसरे वर्ष क्या होगा दूसरे वर्ष क्या होगा 200 तो मिलेगा ही फिर इस 200 पे क्या होगा 10 परसेंट मिलेगा तो 200 का 10 परसेंट क्या होगा 200 का 10 परसेंट क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट बीस रुपए मतलब 20 और इधर क्या होगा 220 तो 220 ध्यान दीजिएगा और 200 मिलके क्या होगा ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा चार यहां पर आप लोग देखेंगे ये दो है और ये चौबीस है यानी चार का ही तो आ रहा है कितने का अंतर आ रहा है 420 का अंतर आ रहा है तो ये दो वर्ष में ही हो जा रहा है 420। पहले वर्ष 200 मिला 10 फिर उस द, दो सौ पे देखिए ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में उसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं तो वही चीज हुआ पहले वर्ष दो सौ मिला फिर दूसरे वर्ष दो सौ तो मिलेगा ही दो सौ पे भी दस परसेंट मिलेगा बीस रुपए तो दूसरे वर्ष दो सौ बीस हुआ पहले वर्ष दो सौ दूसरे वर्ष दो सौ बीस तो दो वर्ष में चार सौ बीस हो गया और चार सौ बीस ही ज्यादा है तो आंसर दे देंगे दो वर्ष कुछ पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर देना है ठीक है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए ठीक है हाँ आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है समझने का प्रयास करेंगे है, एक निश्चित अवधि के लिए दस परसेंट प्रति वर्ष की दर से अठारह सौ रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज तीन सौ अठहत्तर रुपए है वर्षों हाँ वर्षों में समय ज्ञात कीजिए कितने वर्ष में वर्षों में समय ज्ञात कीजिए अच्छा ये बोल रहे चलिए इसका आंसर दीजिए एक निश्चित अवधि के लिए 10 परसेंट प्रति वर्ष की दर से अठारह सौ रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए वर्षों में समय बताइए सेम टाइप का क्वेश्चन है देखिए अठारह रुपए का ध्यान दीजिएगा अठारह सौ रुपए पे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो तीन सौ अठहत्तर है रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट है आर क्या है ट है यही तो है टेन परसेंट और अठारह सौ ध्यान दीजिए अठारह सौ रुपए है क्या है अठारह सो कुछ नहीं करना है ओरल है ऐसे प्रश्नों को फॉर्मूला नहीं लगाना है डायरेक्ट आंसर देना है। है, 10 इसका क्या होगा एक सौ अस्सी रुपए होगा पहले वर्ष ध्यान दीजिए हम लोगों को ब्याज कितना मिला है तीन सौ अठहत्तर यही देखना है ये पहले वर्ष हुआ दूसरे वर्ष क्या होगा एक सौ अस्सी तो मिलेगा ही प्लस एक सौ अस्सी पे भी दस परसेंट मिलेगा तो 180 का 10 परसेंट क्या होगा 18 अठारह रुपए और मिलेगा 180 180 360 और 18 378 अगर इसको हम जोड़ दे तो 378 हुआ कितना हुआ 378 और यहां पे भी 378 ही मिला ये पहला वर्ष रहा ये सेकंड ईयर रहा कितने वर्ष में तीन हो गया दो ही साल में हो गया आंसर दे दी, दीजिए 2.0 है यानी दो वर्ष

360 मतलब 180 सौ 360 समझ रहे ना हाँ और उसके बाद अठारह जोड़ दीजिए अठहत्तर हो तो गया तीन दो ही साल में हो गया ठीक है पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मन लगा के पढ़िए अच्छे से सीखिए और एक बार आप सभी स्टूडेंट एस एससी में कराते हैं मैथ्स और रीजनिंग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा बेसिक से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और हम आप लोगों को बता दे वहां पे फी तो कमी रखी गई है मैथ्स और रीजनिंग की फी बढ़ने वाली है आप सब स्टूडेंट बता दे अभी कुछ ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं एस एस सी मेकर एम ए के ई आर एस एस सी मेकर सेवन एम सेवन मिलियन की आप लोगों को ब्लक्स में यह ऑफर दिया गया है इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे टेन परसेंट का ऑफ हो जाएगा ठीक है हाँ टेन परसेंट का ऑफ हो जाएगा इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिए आप सब स्टूडेंट और क्या करिए बैच को ज्वाइन करिए सभी और अच्छे से पढ़िए नेक्स्ट चले आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन है यदि किसी राशि पर पांच परसेंट वार्षिक की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज पचास रुपए है तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर दे आप सब स्टूडेंट हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं चलिए एस एस सी में कर सेवन एम कूपन कोड अप्लाई करिए टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा और आप सबको पता है इंडिया में सबसे जो सस्ती कोर्स है एस एस सी मेकर की है और सबसे जो बेहतरीन कोर्स है वो एस एस सी मेकर की है ये हंड्रेड परसेंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है जो आपको मैटर दिया जाता है वैसा मैटर और कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा और जितनी सिलेक्शन रेट है जो सिलेक्शन का दर है सबसे ज्यादा जो है वो एस एस सी मेकर का है अगर एस एस सी मेकर पे ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि आप लोगों को वो मैटर दिया जाता है वो कंटेंट दिया जाता है जो एग्जाम में आता है ठीक है जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन फंसते हैं जो सीधा सीधा जो हुआ हुआ जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आप एस एस में अगर ये कंटेंट से मिला सकते हैं ठीक है तो आप समझ सकते हैं ठीक है चलिए तो आप लोग ज्वाइन करिए एस एस ऐप से स्पेशल जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैच ठीक है देखिए हम ज्यादा बैच नहीं लाते जो बैच लाते हैं पता होता है कि उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसमें हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन दिला सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन दिला सकते हैं तो उसी बैच को लॉन्च करते हैं ताकि उसमें स्टूडेंट जो आए वो सिलेक्शन ले देखिए इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम इसमें कुछ है ही नहीं देखिए दो वर्ष का साधारण ब्याज पचास रुपये तो साधारण ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है अगर दो वर्ष में पचास रुपये है ध्यान दीजिएगा दो वर्ष में क्या है पचास रुपये है तो एक वर्ष में क्या होगा पच्चीस रुपए एक वर्ष में क्या होगा पच्चीस रुपए ध्यान दीजिएगा एक वर्ष में पच्चीस रुपए दूसरे वर्ष भी पच्चीस रुपए तभी तो पचास रुपए होगा तीसरे वर्ष में पचहत्तर होगा चौथे वर्ष में होगा ऐसे ही तो चलता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले आप लोग पढ़े हैं अब देखिए है। कह रहे तो उस राशि पर उसी उत, हाँ उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पहले वर्ष तो पच्चीस रुपये मिलेगा ही दूसरे वर्ष क्या होगा पच्चीस रुपए तो मिलेगा ही प्लस इस पे भी क्या होगा पांच परसेंट मिलेगा तो 25 का 5 परसेंट क्या होगा 25 गुने पांच बटा का 100. तो 25 चौको 100. पांच बटा का चार पांच बटा का चार 1.25. या आप चाहें तो पांच को चार से भाग करिए चार 4, एकम चार 4, और यहाँ पे हुआ एक दसमलव लगाएंगे यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे चार दुना के क्या होगा आठ हो जाएगा दस में से आठ जा दो होगा फिर यहाँ पे दसमलव लगा हुआ है जीरो बढ़ाइए चार पच्ची वन यानी कि वन पॉइंट और तो इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे 25 25 50 और एकवन दशमलव दो पांच फिफ्टी वन पॉइंट टू फाइव रुपए क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट कितना होगा इक्यावन दशमलव दो पांच रुपए पेन उठाने की कोई जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को पेन उठाने की इसमें जरूरत है ऑप्शन नंबर बी कितने स्टूडेंट दे रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे शानदार जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड समझ में आया कि नहीं एक बार बताए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दो वर्ष का अगर साधारण ब्याज पचास है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज पच्चीस दूसरे वर्ष का भी पच्चीस ठीक है तो आप लोगों को पता है पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इक्वल होता है समान होता है बराबर होता है ठीक है अगर ये पच्चीस तो ये भी पच्चीस दूसरे वर्ष पच्चीस तो मिलेगा ही फिर इस पच्चीस पे भी पांच परसेंट का ब्याज मतलब वन पॉइंट टू फाइव और बढ़ जाएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दूसरे वर्ष ब्याज पे भी ब्याज मिलता है उतना ही परसेंट का तो ये क्या हो जाएगा छब्बीस दशमलव दो पांच या पच्चीस पच्चीस पचास एक इक्यावन दशमलव दो पांच ऐसे कर लीजिए समझ में आया कि नहीं बताया एक बार कमेंट करके समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है? तो यस सर कमेंट करिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बताए आप सब स्टूडेंट अब देखिए किसी बहुत से स्टूडेंट जब सौ, जब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं फॉर्मूले से बताइए फॉर्मूला बताते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से बताइए देखिए अगर आपको दोनों पढ़ना है कॉन्सेप्ट भी, भी करना है ध्यान दीजिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बेसिक हाँ और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और हम आप लोगों को बता दे थ्योरी भी जानना है कि कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है तो एक बार एस एस सी मेकर ऐप से मैथ्स और रीजनिंग आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग पढ़ने की कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है किसी भी एग्जाम के लिए चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 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 नंबर 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 देखिएगा की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है 2000 दो हजार रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्ष में चार हजार रुपए हो जाती है वह राशि कितने वर्षों में आठ हजार रुपए हो जाएगी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एक बार बोल रहे दो हजार रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्ष में चार हजार रुपए दो वर्ष में क्या हुआ चार हजार रुपए मतलब दो हजार का चार हजार हो गया तो कितने वर्ष में आठ हजार होगा मतलब दो हजार रुपए आठ हजार हो जाएगा ये पूछ रहा है कराए हैं कराए हैं बताए देखिएगा दो हजार क्या हो गया चार हजार मतलब गुने दो दो गुना हुआ है कितना गुना दो गुना हुआ है अब बोल रहा है दो हजार आठ हजार हो जाए तो गुने चार पूछ रहा है। चार गुना कितने में होगा देखिएगा तरीका अगर दो वर्ष में दोस्तों दो गुना हुआ है मतलब दो का पावर वन पावर क्या होता है वन तो कितने वर्ष में दोस्तों ये चार गुना होगा चार गुना का मतलब क्या होता है चार गुना का मतलब दो के पावर दो इस तरह से लिखना है कुछ करने की जरूरत नहीं है अब देखिए ये दो है और ये जो पावर है आपस में गुना करेंगे दो दुना के चार वर्ष कितने वर्ष में बताएं दो दुना के चार वर्ष यहां पे ये जो आंसर आया यही आपका आंसर होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी समझ में आया कि नहीं ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आसान होता है सिंपल इंटरेस्ट में भी आसान होता है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा समझना है हाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मुला नहीं लगाना है आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम इजी है ये जो गुना वाला क्वेश्चन आता है ठीक है कर लिए सभी स्टूडेंट आचार आंसर दे रहे हैं क्या बात है एकदम सही चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद से हाँ चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर रखते हैं इसका आंसर आप लोग देंगे चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को रखते हैं टेस्ट के तौर पे आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर सात वर्षों में दो गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में आठ गुना हो जाएगी आंसर दीजिए सात वर्षों में दो गुना हुआ है तो कितने वर्ष में आठ गुना होगा आंसर देना है चौदह इक्कीस अट्ठाईस पैंतीस आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बताए बहुत अच्छे हाँ क्या नाम है कनिष्का भट्ट हाँ ठाकुर क्या नाम है आगे गए कोई नहीं कुंतल। हाँ। उपेंद्र पाखी तनु सिंह कुमार महेश अर्चु मौर्य कामिनी शुक्ला बिमलेश कुमार बिंद रूपेश नेहा मनीष कंचन मंटू उपेंद्र हाँ सब स्टूडेंट सही है पंकज बिट्टो सुब्रतो कामिनी चलिए अतुल जेसिका संदीप नीरज सुमित राहुल मनु मुकेश अनुज मनीष वैष्णवी सुब्रतो विवेक पप्पू गोविंद विवेक चंदन इंदर सुमित बहुत अच्छे उपेंद्र हाँ, उदय सिंह सुनील सुमित आर्यन ऋतिक मंटू राहुल विशाल चलिए सभी स्टूडेंट सही है लेकिन देखिए सभी नहीं सही है कुछ स्टूडेंट आप गलती कर रहे हैं आप गलत आ रहा है कुछ स्टूडेंट का देखिए यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि सात वर्ष में दो गुना सात वर्ष में क्या दो गुना तो कितने वर्ष में क्या आठ गुना आठ गुना का मतलब आठ को हम दो के पावर में अगर लिखे ये दो है तो दो के पावर में लिखे तो दो का पावर थ्री दो का पावर थ्री का मतलब क्या होता है दो गुने दो गुने दो, दो दुना के चार दुना के आठ होता है ना तो आठ को दो का पावर थ्री में लिखते कुछ नहीं करना है ये जो आपको दिख रहा है सात ठीक है इसका आप कर देंगे गुना किससे तीन से किससे तीन से तो क्या हो जाएगा सात इक्कीस देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों को समझना है एक बार समझिएगा आप सब स्टूडेंट ये जो सात दिख रहा है इसका गुना किससे करेंगे इस तीन से तो सात के क्या होगा गुना करना है इक्कीस वर्ष इक्कीस वर्ष में क्या हो जाएगा आठ गुना हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड दो का पावर दो, दो थ्री आठ होता है टू का पावर थ्री जो होगा वो क्या होगा आठ होगा दो दुना के चार दुना के आठ समझ में आया समझ में आ गया है तो एक बार ये सब कमेंट करिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ फटाफट कमेंट करें और एक बात और बता दे अगर अभी तक आप लोग एस एस एंड एम हॉलदार एग्जाम के लिए फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए और एस एस एंड एम हॉलदार एग्जाम के लिए एस एस मेकर ऐप से जो आप लोगों के लिए टारगेट बैच चलाई जा रही है उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे बैच में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एस एस मेकर कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं और हम आप लोगों को बता दें कोर्स पे अभी आप लोगों के लिए ऑफ चल रहा है एस एस सी मेकर सेवन एम लगा के कोड टेन परसेंट का ऑफ आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है हाँ ये ऑफर आज के लिए है सीमित समय के लिए है फिर आपकी आगे नहीं रहेगी ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं सही है और एक बात और हम आप लोगों को बता दें अगर अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे सर्च कर करके फॉलो कर लीजिए आप सब स्टूडेंट जुड़ जाइए ठीक है टेलीग्राम को को भी भी ज्वाइन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन 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 देखते हैं हैं एक और question. इस टेस्ट के तौर रखते हैं, इसका भी आंसर आप लोग देंगे और ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर पांच वर्षो में दो गुना हो जाती है तो कितने वर्षो में वह आठ गुना हो जाएगी क्या बोल रहे हैं पांच वर्ष में दो गुना हो गया है तो कितने वर्ष में वह आठ गुना होगी सिंपल क्वेश्चन है आंसर एक बार दीजिए तो हम फटाफट देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे देखिए पांच वर्ष में दो गुना हुआ है तो कितने वर्ष में क्या आठ गुना होगी सेम क्वेश्चन है बहुत अच्छे बहुत अच्छे अजय कुंतल कुमार महेश सुनील पंकज ब्रिजेश हाँ अमित योगेश विमलेश कुमार बिंद समीर जी अच्छा अर्चना कंचन प्रसाद कामिनी शुक्ला विमलेश कुमार बिंद मंटू नीरज माया काम्या समर अर्चू मौर्य अजय कुंतल चलिए सभी स्टूडेंट सही है सभी स्टूडेंट सही है क्या बात है गोपाल बाबा प्रसेंदीत पाखी कुमारी मनीष चलिए बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट ऊपर जा रहे हैं नाम नहीं पढ़ पा रहे और लगभग लगभग इस बार क्वेश्चन के हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट आंसर सही दे रहे इस इस बार क्वेश्चन इस के आंसर 100 परसेंट सही दे रहे हैं तो ये देख के मुझे इस बात की खुशी मिल रही है कि जो हम आप लोगों को कर रहे है। आठ गुना होगा आठ को भी अगर हम दो की पावर में लिखे इस तरह से तो दो का पावर थ्री आठ होगा अभी बताए ना तो इस पांच का गुना इस तीन में करेंगे तो पांच क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क में आएगा पंद्रह वर्ष पंद्रह वर्ष में क्या होगा पंद्रह वर्ष में क्या होगा गुना होगा क्या होगा 8 गुना और यही क्या होगा आंसर आंसर होगा आँसर होगा आँसर होगा होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर क्या सी चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पंद्रह वर्ष आंसर दे रहे आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है हिमांशु बोलने मेरा नाम नहीं लेते चलिए रजक चलिए सभी स्टूडेंट अच्छे हैं सभी स्टूडेंट पंद्रह वर्ष आंसर दिए चलिए क्या नाम है स्वीटी अच्छा चलिए हाँ बिना बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं ठीक है चलिए फरा सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे अरुण अरुण आप भी सही हैं चलिए एम के शर्मा चलिए बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि नहीं ये बताए जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके पास स्टडी तो रिलेटेड ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर सभी जगह पे शेयर जरूर कर दीजिए ठीक है हाँ सभी जगह पे शेयर कर दीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए मन लगा के पढ़िए सुबह में भी आपकी क्लास चलती है सात बजे करंट अफेयर स्टेटिक ग्यारह बजे आप लोगों की जीएस की चलती है शाम पांच बजे भी जीएस की क्लास चल रही है और हम आप लोगों को बता दे डेली एट पी पे आपकी ये क्लास होती है ठीक है तो मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए डेली क्लास को ज्वाइन करिए कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप में बताएंगे और हम आप लोगों को बता दें जितने भी नए स्टूडेंट हैं हाँ अगर अभी तक एसएससी अगर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो आपको जरूर इंस्टॉल करिए ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी लेखपाल आदि की क्लासेस चल रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए तो हम आप लोगों को बता दे

ऐप हाँ, पे कोई समस्या होती है तो एस एस मेकर कस्टमर केयर का यह नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं इसमें हम आप लोगों को बता दें सभी कंप्लीट रिकॉर्डेड नहीं है इसमें लाइव क्लासेस भी भी आपकी चल रही है, और रिकॉर्डेड क्लास देखिए इंग्लिश और रीजनिंग की लाइव क्लासेस है मैथ्स और जनरल अवेयरनेस की रिकॉर्डेड क्लास है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है जो आपको सिलेक्शन दिलाए वो सब सारी चीजें की जा रही है पता है एस मेकर मतलब कंटेंट पे कोई कंटेंट हाँ, पे कोई शक नहीं होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है कंटेंट पे वर्क किया जा रहा है ठीक है और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को पता होगा रीजनिंग में जो आप लोगों की क्लास चल रही है उसमें देख रहे होंगे सर प्रोफेसर के भी क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं मैथ्स में जो क्लास हम लेते हैं वो शानदार तरीके से लेते हैं सारे प्रोफेसर को इकट्ठा करते हैं और उसको उसमें शामिल करते हैं आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं क्या हो सकते हैं वो भी सारी चीजें डिस्कस होती है ठीक है हाँ इंग्लिश की भी क्लास आपकी शानदार तरीके से चल रही है सभी क्लासे चल रही है हाँ चलिए कुछ स्टूडेंट रहे सर मेरा नाम नहीं लिया चलिए नाम कल ले लेंगे ठीक है चलिए मन लगा कि आप लोग पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए डेली क्लास को ज्वाइन करिए ठीक है चलिए मिलियन हो गए हैं बहुत जल्द एट मिलियन नाइन मिलियन टेन मिलियन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सब हो जाएंगे ठीक है हाँ हंड्रेड मिलियन कराएंगे ठीक है करा सकते हैं आप लोगों की ही तो प्यार और विश्वास से चल रहा है एस एस सी में ठीक है हाँ तो अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए मन लगा के पढ़िए हम लोग दीजान से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है बस आप लोगों को सिलेक्शन लेना है सिलेक्शन ले लीजिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर केक नहीं खिलाए तो केक हम आप लोगों को खिलाएंगे हाँ जो केक कटा यहाँ पे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा और शानदार तरीके से ठीक है हाँ सबके लिए सबके लिए केक खिलाएंगे सबको खिलाएंगे बहुत जल्द मिलेंगे बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद बताइए ठीक है तो पार्टी भी होगी जबरदस्त तरीके से हम आप लोगों के लिए पार्टी भी रखेंगे सबको खिलाएंगे भी शानदार तरीके से ठीक है चलिए बहुत अच्छे चलिए तो आज की क्लास को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए नोटिफिकेशन बेल बेलाइकॉन ऑन कर लीजिए डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए ठीक है थीके? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद